हेलो फ्रेंड्स, सी प्रोग्रामिंग सीखने की इस सीरीज में आज हम देख रहे हैं स्ट्रिंग के अंदर कितने वोवेल्स हैं, वो कैसे काउंट करें। तो उसके लिए सबसे पहले हमें एक स्ट्रिंग की जरूरत पड़ेगी, तो मैं यहाँ पे डिक्लेयर कर देता हूँ। लेट अस से कैरेक्टर str 20। उसके बाद मैं clr str लिख देता हूँ ताकि हमें कोई प्रीवियस आउटपुट दिखाई ना दे, और लास्ट में मैं get ch लिख देता हूँ। अभी यहाँ पे जो हमने स्ट्रिंग डिक्लेयर की है वो हमें यूजर के पास से लेनी है, तो उसके लिए हमें एक स्कैनफ स्टेटमेंट की जरूरत पड़ेगी, और उस स्कैनफ स्टेटमेंट के अंदर हम मैसेज देंगे परसेंटेज इन द स्क्वायर ब्रैकेट कैरेट स्लैश एन और str, यानी कि ये स्कैनफ स्टेटमेंट हमें मल्टी वर्ड स्ट्रिंग रीड करके देगा। यानी कि हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि ये स्कैनफ स्टेटमेंट get str के इक्विवेलेंट है। अब इस स्कैनफ के ऊपर हम एक प्रिंटएफ स्टेटमेंट लिख देते हैं, और उस प्रिंटएफ स्टेटमेंट के अंदर हम मैसेज दे रहे हैं एंटर अ स्ट्रिंग। अभी सपोज हम ऐसा एज्यूम कर रहे हैं कि स्ट्रिंग की वैल्यू हेलो है, और हमें इसके अंदर से टोटल नंबर ऑफ वोवेल्स फाइंड करने हैं। यानी कि हमें स्ट्रिंग के हर एक कैरेक्टर को वन बाय वन चेक करने जाना पड़ेगा। तो लेट अस से स्ट्रिंग का पहला कैरेक्टर यानी कि str of 0 और कुछ नहीं लेकिन एच है, str of 1 ई है, str of 2 L है, str of 3 L है और str of 4 O है। और हमने प्रीवियस वीडियोस के अंदर देखा था कि हर एक स्ट्रिंग नल कैरेक्टर से टर्मिनेट होती है, यानी कि इस स्ट्रिंग का छठा कैरेक्टर नल कैरेक्टर होगा। अभी हमने स्ट्रिंग को चेक नहीं किया है, यानी कि हम ऐसा बोल सकते हैं कि इनिशियली हम वोवेल का काउंट जो भी है उसको 0 ले लेते हैं, और फिर हम चेक करने जाते हैं कि हमारा पहला कैरेक्टर है वो वास्तव में वोवेल है या नहीं। अगर वो वोवेल है तो हम काउंट को बढ़ाएंगे, और अगर नहीं है तो हम काउंट को वैसे का वैसे रहने देंगे। तो हम चेक करते हैं कि अगर हमारा जो पहला कैरेक्टर है यानी कि str of 0 अपर केस ए है, या फिर अपर केस ई है, या फिर अपर केस आई है, या फिर अपर केस ओ है, या फिर अपर केस यू है, या फिर लोअर केस ए है, या फिर लोअर केस ई है, या फिर लोअर केस आई है, या फिर लोअर केस ओ है, या फिर लोअर केस यू है, लेकिन हमारा पहला कैरेक्टर एच है, यानी कि हम बोल सकते हैं कि ये वोवेल नहीं है, तो अभी भी हमारा काउंट 0 ही रहेगा। उसके बाद हम सेकंड कैरेक्टर को चेक करें तो वो लोअर केस ई है, यानी कि ऊपर जो कंडीशन हमने लिखी है वो सही हो जाएगी और हमारा काउंट के अंदर एक बढ़ जाएगा, यानी कि अब काउंट की वैल्यू 1 हो जाएगी। उसके बाद str of 2 एल है जो कि वोवेल नहीं है, यानी कि हमारी काउंट की वैल्यू एज इट इज 1 रहेगी। उसके बाद str of 3 बी एल है, यानी कि वो भी वोवेल नहीं है, यानी कि अभी भी हमारी काउंट की वैल्यू 1 ही रहेगी। और उसके बाद ओ है जो कि वोवेल है, यानी कि अब काउंट की वैल्यू के अंदर एक बढ़ेगा, यानी कि अब काउंट की वैल्यू 2 हो जाएगी। और उसके बाद हम ध्यान से देखें तो नल कैरेक्टर आता है, यानी कि स्ट्रिंग हमारी यहाँ पे खत्म हो जाती है। यानी कि अगर यही चीज को हम लॉजिक में कन्वर्ट करें तो सबसे पहले हम काउंट की वैल्यू को 0 ले लेते हैं, और 0 नंबर की पोजीशन से स्ट्रिंग के कैरेक्टर को चेक करना स्टार्ट करते हैं, और लूप के कंडीशन के तौर पे हम लिखते हैं कि स्ट्रिंग का आइथ कैरेक्टर जब तक नल ना हो तब तक हमें लूप को एग्जीक्यूट करना है, और उसके अंदर हम चेक करते हैं कि str of i अपर केस ए, अपर केस ई, अपर केस आई, अपर केस ओ, अपर केस यू में से कोई है, या फिर str of i लोअर केस ए, लोअर केस ई, लोअर केस आई, लोअर केस ओ या लोअर केस यू में से कोई है, तो हमें काउंट की वैल्यू को एक बढ़ाना है। तो मैं ऊपर वाले पूरे लॉजिक को कॉपी कर लेता हूं, और अगर ये कंडीशन सही है तो हम काउंट की वैल्यू को बढ़ा देते हैं। तो सिंपली उसके लिए हम काउंट +++ लिख देते हैं, और हर एक कैरेक्टर चेक कर लेने के बाद हम आई की वैल्यू में इंक्रीमेंट कर देते हैं, यानी कि फर्स्ट टाइम str of 0 के लिए ये कंडीशन चेक होगी, सेकेंड टाइम str of 1 के लिए ये कंडीशन चेक होगी, और ऐसे करते करते जब तक नल कैरेक्टर ना मिले तब तक ये कंडीशन चेक होती जाएगी। और फिर लूप के बाहर हम चेक करते हैं कि अगर काउंट की वैल्यू 0 है, यानी कि स्ट्रिंग के अंदर एक भी वोवेल प्रेजेंट नहीं है, तो उसके लिए मैं सिंपल सा एक प्रिंटएफ स्टेटमेंट लिखता हूं, और उस प्रिंटएफ स्टेटमेंट के अंदर मैं लिख रहा हूं कि देयर आर नो वोवेल्स
इन परसेंटेज एस, और परसेंटेज एस की जो भी वैल्यू है वो हम एसटीआर से रिप्लेस कर रहे हैं। और अगर काउंट की वैल्यू जीरो नहीं है तो उसका मीनिंग कि वोवेल प्रेजेंट है, तो वो उसका काउंट हम प्रिंट करवा देते हैं। तो उसके लिए मैं प्रिंट एफ स्टेटमेंट के अंदर लिखता हूं परसेंटेज डी वोवेल्स आर प्रेजेंट इन परसेंटेज एस, और परसेंटेज डी की जो भी वैल्यू है वो हम काउंट से रिप्लेस कर रहे हैं, और परसेंटेज एस की वैल्यू हम एस टी आर से रिप्लेस कर रहे हैं। अभी लूप को हम ध्यान से देखें तो उसके अंदर हमने आई और काउंट दो वेरिएबल का यूज किया है, लेकिन उसको हमने ऊपर डिक्लेयर नहीं किया। तो सबसे पहले हम दोनों वेरिएबल को ऊपर डिक्लेयर कर देते हैं, लेट अस से इंटीजर काउंट एज वेल एज आई, और फिर प्रोग्राम को सेव कर देते हैं। प्रोग्राम को सेव करने के बाद प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं, कंपाइलेशन में कोई भी एरर नहीं आई, प्रोग्राम को रन करके देख लेते हैं। जहां पे मैं स्ट्रिंग के तौर पे हेलो इंसर्ट कर रहा हूं और हमें आउटपुट के तौर पे मिल रहा है टू वोवेल्स आर प्रेजेंट इन हेलो, जो कि परफेक्टली सही है क्योंकि अभी अभी हमने इसी स्ट्रिंग को मैन्युअली एग्जीक्यूट करके उसके अंदर से वोवेल का काउंट फाइंड किया है। एक और बार प्रोग्राम को रन करते हैं जहां पे मैं स्ट्रिंग के तौर पे के 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 इंसर्ट कर रहा हूं और हमें आउटपुट के तौर पे मिल रहा है देयर आर नो वोवेल्स इन के के के, जो कि परफेक्टली सही है। पर इस स्ट्रिंग के लिए हमने हमारे कोड को मैन्युअली एग्जीक्यूट करके नहीं देखा, पर आप खुद मैन्युअली एग्जीक्यूट करके हमें जो आउटपुट मिल रहा है उसको वेरीफाई कर सकते हो। यानी कि हम ऐसा बोल सकते हैं कि इस प्रोग्राम के थ्रू हम 20 कैरेक्टर तक की किसी भी स्ट्रिंग के अंदर से वोवेल्स का काउंट फाइंड कर सकते हैं। और अगर हमें 20 कैरेक्टर से ज्यादा कैरेक्टर की स्ट्रिंग के अंदर से वोवेल के काउंट को फाइंड करना है तो हमें डिक्लेरेशन के अंदर चेंज करना पड़ेगा। यानी कि सपोज हमें 50 कैरेक्टर तक की स्ट्रिंग के अंदर से वोवेल्स के काउंट को फाइंड करना है तो हम डिक्लेरेशन के अंदर str of 20 की जगह पे str of 50 कर देंगे, और ये एक जगह पे चेंज करने से हमें 50 कैरेक्टर तक की स्ट्रिंग के अंदर से वोवेल्स का काउंट मिल जाएगा। सो आई होप कि आपको इस प्रोग्राम के अंदर अच्छी तरीके से समझ आ चुकी होगी। आज के वीडियो में बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।